गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो है ना हमारा क्लास 6 से सॉरी 7 का जो है लेसन 6 जो कि प्रीपोजिशन है, हम लेसन 5 तक कर चुके थे। लेसन 6 जो है आज हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रीपोजिशंस कहते हैं किसे, इसका यूज कहां होता है, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस के कितने टाइप्स होते हैं ऑन द वे ऑफ देयर फॉर्मेशन के आधार पे, ठीक है। और उसमें कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं और उनका यूज कब करते हैं, कहां करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो ये सेंटेंस देखो, जैसे पहला सेंटेंस हमने लिखा था बॉय जंप ओवर द वॉल, जो लड़का है ओवर के वॉल के दीवार के ऊपर से जंप किया, ठीक है ना। अब इसे देखो, चिल्ड्रन आर इन द क्लास, तो यहाँ पे जो लड़का है बॉय वो कहाँ से जंप किया, तो वॉल से। तो ये जो बॉय है इसका रिलेशन जो है वो बॉय का जो रिलेशन है छोटू बाबू वो वॉल से दिखा रहे, दीवार से दिखा रहे, तो कौन सा वर्ड दिखा रहा है, ये ओवर दिखा रहा है, ठीक है। ये जो बच्चे हैं द चिल्ड्रन वो कहाँ पे है, क्लास में है, इन द क्लास कहाँ पे है, इन द क्लास। तो ये जो चिल्ड्रन इनका रिलेशन क्लास से दिखा रहे हैं, क्लास के अंदर है। तो वैसे वर्ड जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से रिलेशन शो करते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या करते हैं, प्रीपोजिशन करते हैं। तो इन जो दो एग्जांपल है वो फर्स्ट वाला जो है वो हमारा ओवर हुआ और सेकंड जो इन हुआ, यही जो है हमारा प्रीपोजिशन हुआ, ये हमारे क्या हो गए, प्रीपोजिशन हो गए। अब देखो जनरली जो है प्रीपोजिशन हमारा छोटू उसका जो प्लेसिंग होता है, वो जो स्थान होता है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है सेंटेंस में। देखो यहाँ पे जैसे द वॉल नाउन हुआ, इन द क्लास ये भी नाउन हुआ, जैसे क्लास कौन सा नाउन हुआ, तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो कौन सा नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन। तो या तो नाउन या प्रोनाउन के पहले होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये नाउन और प्रोनाउन के पहले ना होकर के सेंटेंस के लास्ट में होते हैं, ठीक है ना। ये नाउन और प्रोनाउन के पहले ना होकर के सेंटेंस के लास्ट में होते हैं, तो या तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं उस टाइम, नहीं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हो आप, जैसे आप एग्जाम्पल दिखा रहे हैं छोटू, जब ये तो बीच में होगा, ठीक है ना, नाउन और प्रोनाउन से पहले। अब हमारे जैसे एग्जाम्पल है, हियर इज द बुक, हियर इज द बुक दैट लुकिंग फॉर। तो जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हुआ, लेकिन देख लो ये सेंटेंस के लास्ट में है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप इस पे देख रहे हो, तो ये सारी चीज जब सेंटेंस के लास्ट में हो जाती है तो या तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं या अदरवाइज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रीपोजिशंस कौन होते हैं। अब जैसे इनके हम टाइप देखते हैं प्रीपोजिशंस के टाइप, तो प्रीपोजिशन में तीन टाइप होते हैं छोटे। एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन और तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में हमारे देखो ध्यान से देखते हैं, पहला होता है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, और हमारा जो थर्ड होता है छोटो वो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। अब देखो ये सब जो टाइप है हमारे आपके बुक में काफी सारा सारी से दे रखा है, ठीक है ना। सब एक बार आप ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का ये दूसरा नाम है फ्रेज, फ्रेज प्रीपोजिशन। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का एक दूसरा नाम होता है छोटू फ्रेज प्रीपोजिशन। तो हम देखते हैं कि जैसे सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, देन आफ्टर कंपाउंड प्रीपोजिशन और लास्ट में हमारा कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि सिंपल प्रीपोजिशन जो सिंगल वर्ड वाले प्रीपोजिशन होते हैं, वैसे वर्ड्स जो कि वैसे प्रीपोजिशन जो सिंगल वर्ड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल प्रीपोजिशन, ठीक है ना। वैसे वर्ड्स जो कि वैसे प्रीपोजिशन जो कि सिंगल वर्ड होते हैं, ठीक है ना।
preposition for classic pattern or you want preposition of a identify कर लोगे तो सबसे पहले आप देखेंगे in में क्या होता है सो क्योंकि सिंगल वर्ड preposition होता है सिंगल वर्ड preposition सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन का हमारे क्या होते हैं ये हमारे सिंपल प्रीपोजिशन रहते हैं जैसे कि हमारा बाय फ्रॉम ऑफ ओवर अंडर एक्सेप्टेड ठीक है ना बाय फ्रॉम ऑफ ओवर अंडर एक्सेप्टेड बहुत सारे एग्जांपल जो है कि आपके बुक में भी दे रखे हैं एक बार अपने बुक को आप एक बार स्टडी करोगे तो सब कुछ दिख जाएगा ठीक है जैसे अब अगर हम इसे एग्जांपल देखते हैं तो देखो दे कम फ्रॉम कोलकाता ठीक है ना फर्स्ट एग्जांपल जैसे कि ही फेल ऑफ द चेयर ही फेल ऑफ द चेयर यानी वो उसी से गिर गए थे देखो फ्रॉम द कोलकाता वो कोलकाता से बिलोंग करते हैं वो कोलकाता से आते हैं तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये तो प्रीपोजिशन हुआ यहाँ पे भी ऑफ जो है ये तो प्रीपोजिशन हुआ बट तीनों प्रीपोजिशन में सिंपल प्रीपोजिशन कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन ये कौन सा प्रीपोजिशन तो ये तो सिंगल वर्ड वाला है सिंगल वर्ड वाला आते किसमें है जो सिंगल वर्ड वाला प्रीपोजिशन है छोटू वो हमारे आते हैं सिंपल प्रीपोजिशन में तो इस तरीके से आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे कि आप सिंगल प्रीपोजिशन कहते हैं किसे सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन को हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं अब जैसे हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे कंपाउंड प्रीपोजिशन ये हमारा हो गया इसमें क्या होता है कि दो प्रीपोजिशन या दो वर्ड को मिला करके यहाँ पे कंपाउंड प्रीपोजिशन हमारा बनता है अब जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो गया इन टू आउटसाइड डाउन साइड आउटसाइड इनसाइड विदाउट ठीक है बी मी बहुत सारे एक्सेप्टर ठीक है यहाँ पे देखो इन और टू को मिला करके बना है इनटू आउटसाइड आउट और साइड को मिला करके इन और साइड को मिला करके विद और आउट को मिला करके ठीक है यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है ये दो वर्ड्स या नाउन या भर एडवर्ब से मिलकर के बने होते हैं ठीक है ये जो है दे भी रखा है आपका आसानी से डिफिनेशन देखा कि कंपाउंड प्रीपोजिशन ऑफ वर्ड्स फॉर्म बाय कंबाइनिंग प्रीपोजिशंस नाउन एडवर्ब ठीक है ना या तो प्रीपोजिशन से मिलकर के बने होते हैं जैसे इन और टू दोनों अपने आप में प्रीपोजिशन या तो नाउन से मिलकर के बने होते हैं अदरवाइज एडवर्ब से बने होते हैं अब जैसे हम इसका एग्जांपल देखेंगे पुट द ब्रेक इनटू ब्रेड ब्रेड वाले ब्रेड जिस तरह से ब्रेड लिखते हैं तो ये जो ब्रेड है इसे ब्रेड बीम में रखो यहाँ पे देखो इनटू हुआ कि नहीं हुआ तो ये तो प्रीपोजिशन हुआ अब लेकिन प्रीपोजिशन में छोटू कौन सा प्रीपोजिशन हुआ कॉम्प्लेक्स हुआ या फ्रेंड या सिंपल हुआ या कपल हुआ तो दो नाउन या दो वर्ब से दो नाउन एडवर्ब या प्रीपोजिशन से मिलकर जो बने होते हैं वो हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है यहाँ पे तो दो क्या होते हैं दो प्रीपोजिशन से मिलकर बना है तो ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा सी रैन ही रैन अक्रॉस across the street देखो यहाँ पे भी तो ये हमारा कौन सा होगा कंपाउंड प्रीपोजिशन अक्रॉस हुआ अब यहाँ पे आपने दो समझा कि जो सिंगल वर्ड से मिलकर के बने होते हैं वो हमारा सिंपल प्रीपोजिशन होता है दो वर्ड से मिलकर के बने होते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन और तीसरा जो कि कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का ही नेक्स्ट नाम है वो हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन तो अब देखो फ्रेज में जो है मोर देन वन वर्ड्स होता है तो ये तो आपको पता ही है तो आप देखो फ्रेज प्रीपोजिशन में बोलता है छोटो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलकर बने होते हैं ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलकर के बने होते हैं कॉम्प्लेक्स या जो फ्रेज प्रीपोजिशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलकर के बने होते हैं जैसे इसका एग्जांपल हम आपका देखते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पे तो ये होते हैं जैसे इन स्पाइट ऑफ यानी कि ये बदले में इन स्पाइट ऑफ देख रहे हो एक दो और तीन वर्ड ठीक है ना तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्योंकि हम नीचे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन जो है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जैसे इन स्पाइट ऑफ ठीक है और जैसे इसे एक और एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल आपके बुक में देखेंगे एडिशन इसके बदले इन एडिशन ऑफ ठीक है नेक्स्ट है जैसे कि अकॉर्डिंग टू
उसके हिसाब से मेरे किसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अलोंग विथ, तो ये सारा अलोंग विथ एक्सेप्टर, तो ये सारे इनको हम या तो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बोल सकते हैं, अदरवाइज फ्रेज प्रीपोजिशन बोल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स से निकलकर अलोंग विथ इन स्पाइट ऑफ, ठीक है ना, क्या बदले, तो ये वैसे वर्ड्स जो वैसे प्रीपोजिशन जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बोलेंगे, अदरवाइज क्या बोलेंगे, फ्रेज प्रीपोजिशन, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, देयर इज अ कार, देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है, यानी मेरे घर के सामने एक कार है खड़ी है, ठीक है ना, मेरे घर के सामने ठीक सामने एक कार खड़ी है, तो यहाँ पे देख रहे इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पे इस कार का क्योंकि प्रीपोजिशन जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से रिलेशन दिखाता है, ठीक है ना, इस कार का रिलेशन क्या है भाई, वो खड़ी है। अब देखो जब हम पढ़ोगे, आप पढ़ोगे तो या तो वो रिलेशन कैसा होता है, या तो अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के हिसाब से होता है, प्लेस के हिसाब से होता है, मैनर के हिसाब से होता है, वो आप आगे भी पढ़ोगे इसी चैप्टर में, ठीक है, यहाँ पे प्लेस के हिसाब से प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो जाएगा, वो बात हम आपको बताएंगे, यानी जगह बता रहे हैं, रिलेशन तो दिखा रहा है, रिलेशन तो दिखा रहा है इस कार का हाउस के साथ, हाउस से, लेकिन कैसे प्लेस के सेंस में, इन द सेंस ऑफ प्लेस, वो हम अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखो छोटू, ये जो इन फ्रंट ऑफ है, यानी ये जो वर्ड है इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पे एक कार जो है वो मेरे घर के सामने खड़ी है, ठीक है, तो ये हमारा हुआ, ये दिखा रहा है कि इसका रिलेशन जो है प्लेस के सेंस में, और ये इन फ्रंट ऑफ है जो वो हमारा या तो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन हुआ, या इसको हम बोल सकते हैं फ्रेश प्रीपोजिशन, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपने देखा तीन प्रीपोजिशन कहते किसी है, देन आफ्टर आपको पता चला कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के आधार पे प्रीपोजिशन के तीन टाइप्स होते हैं, पहला होता है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है ना, जो कि सिंगल वर्ड से बने होते हैं, दूसरा होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, या तो दो वर्ड, दो प्रीपोजिशन है, या दो नाउन्स है, या दो एडवर्ब से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना, और देन आफ्टर हमारा जो लास्ट होता है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, या उसे हम फ्रेज प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। तो ये किससे मिलकर बना होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे इन स्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग विद, ये सब हुआ। अब जैसे देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सरसाइज नहीं है, और एक बात देखना आपको, हम हमेशा से आपको ये एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज दिया जाता है उसमें एक दो क्वेश्चन करा करते हैं, तो बाकी आपको होमवर्क के लिए दे दिए जाते हैं, तो आप करते नहीं, और फिर अगले दिन क्या करते हो कि आप ऑब्जेक्ट करते हो कि सर ये एक्सरसाइज नहीं हुआ, ऐसा कोई भी एक्सरसाइज नहीं हुआ जो हमने नहीं कराया, हम हर एक्सरसाइज के एक या दो क्वेश्चन आपको कराते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है होमवर्क देते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमको सारा जो जो भी एक्सरसाइज है वो हम आसानी से आपको सॉल्व कर देंगे, बस आपको जेरोक्स करते जाना है, तो जेरोक्स करने से फिर तो कोई फायदा रह नहीं जाएगा, आप करते जाओ, जो भी एक्सरसाइज करते हो, कोई भी डाउट होता है आप जाकर के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, हाँ प्रॉब्लम तब होगी जब आपके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड ना कराया जाए, ठीक है, आप जानना, लेकिन ये कब होगा, जब आप करोगे तब, तो आप तो चाहते हो कि बस यहाँ पे बोर्ड पे सारा सॉल्यूशन मिले और हम फोटो कॉपी जेरोक्स करते जाए, तो ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होगा तो फिर वही कंडीशन होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं जैसे कि हमारा पहला एक्सरसाइज है, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज ए का जो एग्जाम्पल है कि पुट द गार्बेज, देखो छोटा, पुट द गार्बेज इन द कैन, इन द कैन द डू, यहाँ पे आपको एट जो है प्रीपोजिशन दे रखे हैं, एट ही एक्सरसाइज है, एट ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उनके मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस प्रीपोजिशंस वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम देखते हैं कि पुट द गार्बेज इन द कैन, ये जो कचरे है उसको कैन में रखो, जो कि डोर के यानी दरवाजे, तो गार्बेज वाला जो कैन होता है जनरली आपको पता है कि बाहर होता है, बाहर होता ही नहीं, कोई भी गार्बेज वाला जो कैन होता है या डब्बा होता है या बाल्टी रखते हो, बकेट रखते हो, तो वो तो रूम के अंदर रखते हो नहीं, दरवाजे के बाहर ही रखते हो, तो बाहर का क्या होता है आउटसाइड, और यहाँ पे देखो आउटसाइड दे रखा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हमारा होगा ये क्या होगा। अब एक बात बताना, आउटसाइड कौन सा प्रीपोजिशन हुआ छोटू, तो अब देखो आउटसाइड जो है एक आउटर दूसरा साइड, दो वर्ड से मिलकर बना है कि नहीं, तो इस तरीके से आउटसाइड जो हुआ वो हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, सॉरी कंपाउंड प्रीपोजिशन, जो कि दो नाउन या दो एडवर्ब या दो
प्रीपोजिशन से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी जो 7 क्वेश्चंस बच गए हैं वो आपको करना है। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप आसानी से जाकर के कमेंट सेक्शन में करना, वहां पर हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं पहला यहां पे अपने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ओके, तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो प्रीपोजिशन है वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन दिखाता है, रिलेशन बताता है कि ये इसके साथ कैसा रिलेशन है। तो या तो इन द सेंस ऑफ टाइम के सेंस में हो जाएगा, ठीक है ना, या तो प्लेस के सेंस में हो जाएगा। तो अब देखो कोई भी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आपके मन में आपके जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि सर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। तो देखो जब आप वियर लगा करके किसी भी सेंटेंस में जब आप वियर लगा करके क्वेश्चन करोगे, वियर लगा करके क्वेश्चन करोगे, यदि उसका आंसर आता है, इफ यू गेट आंसर दैट दैट प्रीपोजिशन वाज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, अंडरस्टैंड। तो जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि देखो there is a new car in front of my house, there is a new car in front of my house, मेरे घर के सामने एक नई कार खड़ी है, ठीक है ना सर, हम सबका दिवाली वाली आया तो हम खरीद लिए हैं, तो ये इन फ्रंट ऑफ माय हाउस मेरे घर के सामने है नई कार खड़ी है। अब यहाँ पे इसकी जगह हम वेयर लगा करके हम क्वेश्चन करते हैं इस पूरी सेंटेंस में, वेयर इज द न्यू कार स्टैंड, ठीक है ना, नई कार कहाँ खड़ी है, तो आप आंसर आ गई इन फ्रंट ऑफ माय हाउस यानी मेरे घर के ठीक सामने। तो यहाँ पे वेयर लगा करके जैसे ही क्वेश्चन कर रहे हो तो इसका आंसर है कि मेरे घर के ठीक सामने इन फ्रंट ऑफ, तो इन फ्रंट ऑफ हुआ तो ये क्या हुआ प्रीपोजिशन, तो हुआ कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन या प्लेस प्रीपोजिशन, लेकिन इसमें हो गया ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपने वेयर लगा करके क्वेश्चन किया यहाँ पे आंसर मिला आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आते हैं, ठीक है ना, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आए थे जैसे कि अंडर, बिलो, डाउन, ठीक है ना, नियर, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे हुआ बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे कि देखो The man walked down the road. The man walked down the road. जब कोई आदमी रोड पे चलता है तो वहां पे यूज होता है डाउन, ठीक है ना, रोड के सेंस में डाउन यूज होता है। तो यहाँ पे where did the man walk? ठीक है ना, यानी मैं आदमी जो है कहाँ चल रहा था, तो आपका आंसर मिल सकता है डाउन द रोड, वेयर लगा कर जैसे ही आपने क्वेश्चन किया यहाँ पे आंसर मिला डाउन द रोड। तो इस तरीके से जब प्रीपोजिशन प्लेस में आपका वो होता है कि जैसे ही आप वेयर लगा करके क्वेश्चन करते हो और जो आपका आंसर मिलता है वो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है। अब देखो जैसे एट, इन और ऑन, एट, इन और ऑन, ये जो है खास प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, हम आपको बता रहे हैं एट, इन और ऑन। तो अब देखो छोटू, जैसे कि यहाँ पे एट होता है, एक है एट, एट और बताएं एट, इन और ऑन, ये जो है ना प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आते हैं एट, इन और ऑन, ठीक है। तो अब जैसे देखें एट का यूज जो है पहला हमारा यूज होता है फॉर स्पेसिफिक पॉइंट, ये जो यूज होता है फॉर स्पेसिफिक पॉइंट जो होता है एट का यूज, ठीक है ना, और दूसरा यूज होता है हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे बिफोर द नेम ऑफ पार्टिकुलर एड्रेस, ठीक है ना, जैसे स्पेसिफिक टाइम से पहले होता है, ठीक है ना, स्पेसिफिक पॉइंट के नाम स्पेसिफिक पॉइंट होता है, जैसे एट द डोर यानी दरवाजे पर, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पेसिफिक है कहाँ पे भाई, तो एट द डोर, ही स्टैंड एट द डोर यानी वो दरवाजे पे खड़ा है, ठीक है, जैसे कि ही स्टैंड, ही
स्टैंड एट द बुक। यहाँ पे जो रूल है वो स्पेसिफिक पॉइंट है नहीं है, यहाँ पे जो रूल है कोई खास जगह पे जैसे ही होगा ना वहां पे क्या होगा स्पेसिफिक पॉइंट होगा, ठीक है ना। और जैसे देखो यहाँ पे बिफोर द नेम ऑफ पार्टिकुलर एड्रेस पे, ठीक है ना, पार्टिकुलर एड्रेस पे जैसे कि हमने बोला मीट मी, मीट मी एट गायत्री मंदिर मोहल्ला, मीट मी एट द गायत्री मंदिर मोहल्ला। तो हमने आपको एक प्रॉपर पार्टिकुलर एड्रेस बताया कि आपको मिला कहाँ है, तो मौलाबा का जो गायत्री मंदिर है वहां पे आपको हमसे मिलना है। तो जब यहाँ पे या तो स्पेसिफिक पॉइंट होगा तो वहां पे एड का यूज होगा, ठीक है ना, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कोई स्पेसिफिक एड्रेस होगा, ठीक है ना, पर्टिकुलर एड्रेस होगा तो वहां पे हम एड का यूज करेंगे। अब जैसे हम इन का यूज देखते हैं छोटे, तो इन का जो यूज होता है हमारा पहला होता है इन क्लोज स्पेस में होता है, बंद स्पेस में होता है, ठीक है ना, कोई भी इन क्लोज स्पेस में होता है इन का यूज। पहला जो होता है इन का क्लोज स्पेस में होता है और दूसरा जो होता है छोटू वो जो लार्ज सिटी सिटी और टाउन, ये लार्ज सिटी और टाउन है। जैसे कि जैसे इंक्लोज स्पेस है नहीं कोई बंद एरिया, ठीक है ना, जैसे देर आर फाइव बुक इन द बैग, देर आर फाइव बुक्स इन द बैग, यहाँ पे there are five books in the bag। अब देखो बैग जो है वो हमारा बंद इंक्लोज एरिया ही नहीं है, वो ऐसा तो नहीं ओपन एरिया है, बैग में जो जीप दिया रहता है उसको बंद कर दोगे, जीप यानी जो चैन होता है तो वो तो हमारा बंद हो गया। देर आर फाइव बुक्स यानी बुक्स जो है पांच बुक्स जो है वो कहाँ पे है, बैग में है, यानी कि इंक्लोज है, इंक्लोज हुआ ना, इस वजह से हम यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे छोटू, इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे लार्ज सिटी और टाउन के नाम से पहले, लार्ज सिटी बड़े बड़े शहरों और महानगरों के नाम से पहले हम जो है ना सिटी और टाउन के नाम से पहले हम क्या यूज करते हैं इन, जैसे कि आई लिव इन, इसका एग्जाम्पल आई लिव इन वॉशिंगटन डीसी, मैं जो हूँ वॉशिंगटन डीसी में रहता हूँ, तो वॉशिंगटन डीसी जो है अमेरिका का जो कैपिटल ऑफ अमेरिका है, तो यहाँ पे वो की एक बड़ा सा सिटी है, ठीक है ना, उसके नाम से पहले जो है वहाँ पे इन, जैसे आई लिव इन कोलकाता, आई लिव इन मुंबई, तो ये सब चीज हुआ कि जो बड़े शहर होते हैं लार्ज सिटी होते हैं या टाउन होते हैं उसके बाद जो इनक्लोज स्पेस होता है बंद स्पेस होता है उसके नाम से पहले हम क्या करते हैं हमारा इन का यूज होता है, ठीक है। अब जैसे हमारा एक इसमें ऑन बचा है, तो ऑन का यूज जो है आप देखते हैं ऑन का जो इसमें है ऑन का एक होता है फॉर सर्विस, फॉर सर्विस एक सर्विस के लिए, ठीक है ना, और दूसरा होता है हमारा बिफोर द नेम ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट, रोड और स्ट्रीट के नाम के पहले बिफोर द नेम ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट, एक तो सर्विस पे होगा, ठीक है ना, और दूसरा होता है बिफोर द नेम ऑफ, बिफोर द नेम ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट, कोई गली या रोड के नाम से पहले। अब जैसे देखो सबसे पहले आई रोड, आई रोड माय नेम ऑन द कवर, जैसे ये बुक हुआ और इस बुक का जो कवर हुआ तो ये उसका ऊपरी सरफेस पर नहीं हुआ, तो आई रोड मैंने लिखा अपना नाम कहाँ पे कवर पे, यानी ऊपरी सर्फेस पे आपने लिखा, तो जैसे ही सर्फेस के सेंस में आएगा वहां पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा छोटू, और प्रीपोजिशन यूज होगा, ठीक है। अब जैसे कि बिफोर द नेम ऑफ रोड एंड स्ट्रीट, रोड और स्ट्रीट के नाम से पहले जैसे कि मीट मी, मीट मी ऑन द केजी रोड, ऑन द केजी रोड यानी ये एक नाम है, केजी रोड नाम एक नहीं है, जैसे ही रोड का नाम आया वहां पे हम क्या करेंगे ऑन का यूज होगा। जब हमने जबकि अभी कुछ देर पहले हम जब एग्जाम्पल ये गायत्री मंदिर मोहल्ला का, तो वहां पे एक स्पेसिफिक एड्रेस हुआ, पर्टिकुलर एड्रेस हुआ, तो हमने एड यूज किया था, लेकिन जैसे हम ऑन द केजी रोड, ठीक है ना,
जैसे हम कोई रोड या जैसे हमने कोई स्ट्रीट यानी गली का नाम बताया, जैसे कि मीट मी ऑन द महाराजा हत्ता गली नंबर 1, ठीक है ना। तो जैसे हम गली का नाम लेते हैं तो वहां पे या कोई स्ट्रीट का नाम लेते हैं जो, तो वहां पे हम ऑन यूज करते हैं। अब जैसे देखो बाकी यहां पे और तीन चार बच गए हैं कि बिटवीन, अमंग, बिसाइड और डिसाइड्स, डिसाइड और डिसाइड्स, ठीक है ना। तो अब देखो डिसाइड जो होता है वो होता है हमारा की बबल में, ध्यान से एक चीज याद रखना, डिसाइड यानी होता है छोटू, डिसाइड यानी होता है की बबल में, की बबल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अब डिसाइड्स यानी होता है की अलावे, डिसाइड्स जहां पे एस लगा वो हो जाता है की अलावे। तो इस तरीके से आप आसानी से ये जो जो रेस्ट प्रीपोजिशन बच गए आप आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सरसाइज भी में आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्लियर भी कराएंगे। अब यहाँ पे आप दे रखा है कि जय इज वेटिंग फॉर यू द मॉल, मॉल तो मॉल जो है पार्टिकुलर एड्रेस हुआ, वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऑन यूज हुआ कि इन यूज होगा कि एट यूज होगा, एट द मॉल होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आसानी से 12 जो क्वेश्चन है उसे आप कर सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमने आपको बताया है प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करना है। ये चीज ध्यान रखना, डिसाइड यानी होता है की बगल में, बिसाइड यानी होता है की अलावे। जैसे मेरे अलावे, बिसाइड्स मी देयर आर 25 टीचर्स इन द ड्यूटीज, मेरे अलावे यहाँ पे और कितने टीचर है तो 25, बिसाइड्स हमने बोला। लेकिन जैसे हम बोले विकास सर मेरे बगल में बैठे हैं तो विकास सर इज सिटिंग बिसाइड, बिसाइड हमने बोला ना कि बिसाइड्स बोला, बिसाइड नहीं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज बी तक हमने खत्म किया। फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आपको वही काम करना है, कमेंट में जाकर करना है, बाकी इसका आपका प्रॉपर फेयर होना चाहिए और सोल्यूशन होते रहना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।